आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। वाराणसी में फर्जी दस्तावेज पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का पंजीयन रद्द, नर्सिंग होम संचालकों के खिलाफ कार्रवाई तेज। खबर जनपद वाराणसी से है, जहां पिछले कई दिनों से पत्रकार प्रेस क्लब द्वारा अलग अलग समाचार पत्रों और ट्विटर के माध्यम से मुहिम चलाई जा रही थी कि फर्जी हॉस्पिटल संचालक और नर्सिंग होम संचालक तथा फर्जी दवा की दुकान बंद कराई जाए, ताकि जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न हो सके। धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब यह मुहिम जोर पकड़ रही है। फर्जी नर्सिंग होम संचालकों के खिलाफ कार्रवाई का दौर शुरू हो चुका है, जिससे कहीं ना कहीं नियमों को ताक पर रखकर मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नर्सिंग होम संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। कार्रवाई के इसी क्रम में फर्जी दस्तावेजों के सहारे पंजीयन कराकर नर्सिंग होम संचालित करने का मामला प्रकाश में आया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कूटरचित दस्तावेजों के सहारे पंजीयन कराने वाले शिवपुर के मां चंद्रिका नगर कॉलोनी स्थित एसएल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के साथ ही हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही जिले में अवैध अस्पताल नर्सिंग होम संचालकों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी ने बताया कि मां चंद्रिका नगर कॉलोनी बाबतपुर रोड शिवपुर स्थित एसएल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ओर से पंजीयन हेतु ऑनलाइन पोर्टल पर संबंधित सभी दस्तावेजों के साथ ही अग्निशमन विभाग की एनओसी उपलब्ध कराए जाने के बाद गत 27 जुलाई को उक्त हॉस्पिटल का पंजीयन किया गया था। इस बीच 1 सितंबर को दूरभाष पर शिकायत प्राप्त हुई कि उक्त हॉस्पिटल के पंजीयन में लगाए गए अग्निशमन विभाग की एनओसी में गड़बड़ी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि इस शिकायत पर फौरन कार्रवाई करते हुए मामले की जाँच उप चिकित्सा अधिकारी व नोडल अधिकारी पंजीयन डॉक्टर पीयूष राय को सौंपी गई। नर्सिंग होम संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का दिया निर्देश। डॉक्टर राय ने जांच के दौरान जब अग्निशमन विभाग से संपर्क करते हुए प्राप्त जानकारी के आधार पर उक्त फायर एनओसी के यूआईडी संख्या की ऑनलाइन पड़ताल की तो पता चला कि वह श्री साई नर्सिंग होम के नाम पर जारी की गई है। श्री साई नर्सिंग होम के फायर एनओसी में कूटरचना कर एसएल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के संचालक ने स्वास्थ्य विभाग को गुमराह करते हुए अपने हॉस्पिटल का पंजीयन कराने में इस्तेमाल किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि यह बेहद ही गंभीर मामला है, लिहाजा एसएल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द करने के साथ ही नर्सिंग होम संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है। जनपद वाराणसी से अमित तिवारी की रिपोर्ट। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं, ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।